आज तक आप सभी लोगों ने गठबंधन देखा होगा, पर आज हम आपको एक ऐसे महागठबंधन के बारे में आपको बताएंगे जिसमें 60 पार्टियों का एक साथ देखने को मिला। यह महागठबंधन भारतीय महागठबंधन एकता है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा तादाद में कई दल इकट्ठा हुए। इन सभी दलों ने दिनांक 29 सितंबर 2021 को महागठबंधन यात्रा मेरठ, हापुड़, मुरादनगर से होते हुए दादरी तक निकाली गई और सबको अपने महागठबंधन के बारे में बताया। आपको बता दें कि इस काफिले में लोग गाड़ियों, मोटरसाइकिलों व बसों में भर के लोग इस यात्रा में शामिल हुए। महागठबंधन पार्टियों के सभी नेताओं ने सभी को बिजली फ्री, पानी फ्री और रोजगार को लेकर बात कही गई। महिला को 33% राजनीतिक हिस्सेदारी दी जाएगी। ईवीएम मशीन से नहीं बैलेट पेपर से चुनाव होगा। इस दौरान श्री राजकुमार सैनी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी, श्री अखिलेश सैनी अखंड समाज पार्टी, सुबेदार पिछड़ा समाज पार्टी, मोहम्मद सुलेमान इंडियन नेशन लीग, सलीम अख्तर भारतीय एकता मंच पार्टी, लियाकत बोस सब्बाक स्वतंत्र जनता राज पार्टी उत्तर प्रदेश प्रभारी आदि लोग मौजूद रहे। गाजियाबाद से फरीद अली के साथ अफशार उलक की रिपोर्ट, प्राइम टीवी न्यूज। हम लोग सामंजस्य बैठा करके लड़ाएंगे और उत्तर प्रदेश में जो जुल्मी सरकार है, किसानों, नौजवानों, गरीबों, मुसलमानों, मजलूमों के ऊपर जो जुल्म, जाति अत्याचार हो रहा है, इससे निजात पाने के लिए हम लोग समाज के लोगों को एक दिशा देंगे, उनका आर्थिक सामाजिक विकास हो और अमन चैन देश में कायम होने के लिए। तो आप मुझे बताइएगा कि आप लगातार यहाँ देख भी रहे हैं विधानसभा को, क्या लगता है लोगों का रुझान किस तरफ है? ये देखा गया राष्ट्रीय महागठबंधन जो पूरे प्रदेश का दौरा कर रहा है, उस बात को देखते हुए, और मैं स्वतंत्र जनता राज पार्टी उत्तर प्रदेश प्रभारी, ये देखा गया कि आपके पास बदलाव होगा, पूरे प्रदेश के अंदर होगा। लोग जो है महंगाई से और पेट्रोल से और गैस से, इन चीज़ों से सबसे ज़्यादा परेशान हो चुका है और लोग समझ चुके हैं कि हिंदू मुसलमान की राजनीति कर सिर्फ राजनीति कर रहे हैं और पूरे देश को बेच दिया। और सबको पता भी है, अडानी ने, अंबानी ने पूरे देश को ज़मीन से खरीद लिया है और पैसा कॉरपोरेट का रखने के बाद पूरे से पूंजीपति जो लोग हैं इनका पैसा विदेश से फाइनेंस हो रहा। कि आप लोग जानते भी हैं कि हमारे देश का 6 लाख करोड़ इनका माफ होता है और उनसे ज़्यादा इनको बेचने के लिए वही बजट बना दिया जाता। तो आपको हम लगातार दिखा रहे हैं, हर एक विधानसभा में जाके हम आपको दिखा भी रहे हैं कि किस तरीके से प्रत्याशी एक साथ जुटे हुए हैं और कितनी बड़ी पार्टियां जो हैं वो आपके सामने दिख रही हैं। लेकिन आज मुरादनगर विधानसभा में एक चीज बहुत जो है वो देखने को मिली है, भारतीय महागठबंधन वो देखने को मिला है, जिसके अंदर 60 के करीब पार्टियां एक साथ जुड़ी हैं और उनके नेतृत्व कर रहे हैं खुद पूर्व सांसद साहब हैं वो कर रहे हैं, और उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर ये 60 पार्टियों का जो गठबंधन है वो किस मोड़ पे जा रहा है और आगे विधानसभा चुनाव में उसकी भागीदारी क्या रहती है। सबसे पहले मैं प्रदेशवासियों को प्रणाम करूंगा, अपील करूंगा कि आज तक 85-15 के डिफरेंस में 85% लोग हादसे में हैं, 15% लोग गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, देश का सब कुछ लूट लिया गया है और इनको अंधविश्वास में धकेल दिया गया है। मैं अपने प्रदेशवासियों को, सभी से वोटर भाइयों को अपील करूंगा कि हम वोटरशिप पेंशन करेंगे जिस प्रकार से एमपी एमएलए की पेंशन होती है, और ठीक उसी प्रकार से हम अपने प्रदेश के अंदर, अपने इस प्रदेश उत्तर प्रदेश में खड़े हैं तो यहाँ जिसकी जैसी संख्या भारी उसकी वैसी हिस्सेदारी, 100% आरक्षण, तीसरी बात एक परिवार एक रोजगार, और किसान मजदूर को इकट्ठे जोड़ करके आदि लेबर सरकार से दिलवाएंगे ताकि देश के मजदूर को दोगुनी पगार मिल जाए और किसान को आधे रेट में मजदूर मिल जाए, आधे रेट में मजदूर मिल जाए, देश की 65% आबादी काम के साथ जुड़ जाएगी। लेकिन इसको करने के लिए हमने एक प्लान बनाया है कि भाई तुम कल्ले 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 जब लड़ रहे हो और मुद्दा एक बोल रहे हो तो लोगों को कह रहे हो इकट्ठे हो जाओ, अगर आप लोग इकट्ठे नहीं होते हैं, लोगों को कहते हैं इकट्ठे हो जाओ तो कैसे होंगे। तो जब इनके बीच में ये बात रखी तो आज हम 60 लोग अलग अलग 30 बिरादरियों के इकट्ठे हुए हैं और सबको आश्वस्त कर दिया कि मुख्यमंत्री कोई तानाशाह नहीं बन सकेगा, उसके साथ 5 डिप्टी CM एक साल के लिए, एक मुख्यमंत्री, 5 डिप्टी CM के माध्यम से हम 5 साल में 5 मुख्यमंत्री और 25 डिप्टी CM लाएंगे ताकि 30 बरादरियाँ जो आज 30 बरादरियों के लोग यहाँ पर हैं उनको सबको सीधा सत्ता के साथ जोड़ करके अपने समाज के, अपने वर्ग के लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए एक स्टेयरिंग कमेटी के रूप में काम करेंगे जो असली प्रजातंत्र की ढांचा होगा। अन्यथा आज तक जो आदमी CM PM बन गया
वो अपनी बरादरी को देखता है, अपने वंश को देखता है। वंशवाद जातिवाद का नाश करने के लिए हमने सब 85% लोगों को ही इस गठबंधन में रखा है। उन लोगों को हमने इस गठबंधन में इसलिए जगह इतनी ज़्यादा नहीं दे रखी कि आप वोटर बन के आइए। अगर आप वोटर बन के आते हैं तो आपका स्वागत है। अगर आप जो है ना मालिक बन के आ रहे हैं तो मालकियत तो आपने 75 साल से कर रखी है। अब आप कभी हमारे को भी वोट डाल के देखिए। व्यवस्था ठीक करने के लिए आज 85-15 का जो भेदभाव था उसे ठीक करना है। जो आप लगातार दौरे कर रहे हैं, हर विधानसभा में जा रहे हैं, जिलों में आप देख रहे हैं, कैसा लग रहा है कि इस बार जो है क्या लोगों का रुझान है? अभी तो हमने बीज बोने के लिए जो है ना खेत तैयार कर रहे हैं। एक महीने के बाद हम आपको इसी प्लेटफॉर्म पर फिर मिलेंगे, फिर बताएंगे कि हमारी फसल कितनी तेजी से उग रही है। एक लास्ट सवाल, घोषणा पत्र मैंने आपका देखा है, उसके अंदर बिजली फ्री को लेकर बातचीत रखी गई है, रोजगार को लेकर बातचीत रखी गई है। क्या लगता है दूसरी पार्टियों की तरह आप भी मुद्दे दे रहे हैं, वादे दे रहे हैं, या ये बिल्कुल जमीनी स्तर पर होगा? हमने जो भी बात कही है वो नाप तोल करके कही है। अगर नीरव मोदी, विजय माल्या जैसे लोग इस देश के खरबों खरबों रुपए लूट करके भाग सकते हैं, उतने पैसे थे तो ये 60% किसान और मजदूर आज जो सड़कों धरनों पर बैठा है किसान, उतने में तो इन सब का कल्याण हो जाना चाहिए था। लेकिन व्यवस्था ठीक करने के लिए आज देश के पीएम और सीएम जो लोग भी हैं उन्हीं में सत्ता निहित हो जाती है। सेंट्रलाइज होने की वजह से बाकी के लोग हाशिए पर रह जाते हैं। आज मोदी अडानी और अंबानी को बढ़ाने में लग रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन से और ताना उसके सौकारा प्रथा से तो ये देश पहले बड़ी मुश्किल से छुड़वाया था, अब फिर उसी बात को ला रहे हैं। पहले अगर कोई सौकार खाती लगाता था, खाती का मतलब जमाखोरी करता था, तो उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज होते थे। आज जमाखोरी का लाइसेंस दिया जा रहा है कि आप जो है ना बाकी के लोगों को चुटकियों के रेट में खरीदा हुआ माल फिर उनको तिलों के भाव में बेच दो। ये व्यवस्था ठीक करने के लिए हमने 60 पार्टियों के लोगों ने इकट्ठे होकर के एक मिशन बनाया और इस गंगा घाट के ऊपर खड़े होकर हम इसलिए कह रहे हैं कि गंगा पाप धोते धोते खुद मैली हो चली है। इसकी भी सफाई अभियान में खरबों रुपए लोग डकार गए हैं। गंगा भी साफ हो जाएगी और लोगों के मन भी साफ हो जाएंगे। तो ये थे घनश्याम जी, जिन्होंने बिल्कुल साफ तौर पर बता दिया है कि विधानसभा चुनाव को लेकर आगे उनकी रणनीति क्या रहेगी। फरीद के साथ अफशार उलक, प्राइम 80 न्यूज़, गाजियाबाद।